माना। हाय। हाय। मान गई पूर्वी? मिलने के लिए तो मान गई, आगे का पता नहीं। पूर्वी? हाय पूर्वी। हाय मानव, कैसे हो आप? हाल मेरा नहीं, हितेश का पूछो, जो बेचारा अंदर तुम्हारा वेट कर रहा है। रेस्टोरेंट अच्छा है ना? पता है यहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती है। मैंने कभी नहीं पी यहाँ पे चाय, छनछन ने पी रखी है ना छनछन? हाँ। वेटर, तीन चाय और एक लेमन सोडा। पूर्वी, तुमने अब तक कुछ डिसाइड किया? I was hoping कि तुमने अब तक कुछ। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैंने रात भर सोचा और छनछन से भी डिस्कस किया। आपने जो पूछा उसके लिए मेरा जवाब हाँ है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वेरी नाइस। थैंक गॉड पूर्वी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक्स अ लॉट पूर्वी। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं तुम्हारी फैमिली का भी उतना ही ख्याल रखूंगा पूर्वी। हम लोग जल्दी शादी कर लेंगे और फिर हम लोग किसी अच्छी जगह पर हनीमून मनाने के लिए जाएंगे पूर्वी। मेरे भाई, पहले शादी तो ठीक से प्लान कर लो, बाद में हनीमून का सोचना। यस, एंड एज डिस्कस्ड हमने ये डिसाइड किया है कि हम कोर्ट मैरिज की तैयारी करेंगे, है ना? एग्जैक्टली। और मैंने ये पता कर लिया है कि कोर्ट मैरिज में सिर्फ दो विटनेस लगते हैं। तो हमें और लोग चाहिए भी नहीं। पूर्वी की तरफ से मैं विटनेस बनूंगी और तुम्हारी तरफ से मानव। और मैंने ये भी पता कर लिया है कि इसी वीक की डेट्स अवेलेबल हैं। इसी वीक? लेकिन इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां कैसे होंगी? ये सोचना हमारा काम है। और हाँ, एक और बात, तुम लोग ज्यादा बाहर मत घूमना, शायद किसी को शक हो जाएगा कि There is something fishy. That's true. पूर्वी, तेरी साड़ी की शॉपिंग मैं करूंगी और तू चिंता मत कर, तेरी पसंद मुझे अच्छे से पता है। और तुम मुझे अपनी पसंद बता देना और साथ में मेजरमेंट्स। ऐसा ना हो कि टाइम कम होने की वजह से कपड़े छोटे हो जाएं। ठीक है, तो शादी का सारा काम हम संभालेंगे और शादी के बाद तुम एक दूसरे को संभालना। Exactly. So decided, everything is fine. अब चले। मानव, actually मुझे पूर्वी से कुछ बात करनी है। Okay, ठीक है, हम भी तब तक वेट कर लेते हैं। Actually मानव, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। वहां चले? Yeah, sure. ये क्या कौमुदी, मीठे में सिर्फ घुघरा बनाया है? अरे, इतने खुशी का मौका है तो दो तीन तरह की मिठाई तो बनानी चाहिए।
हाँ बा, मैं बस बासुंदी बना ही रही थी, दो मिनट में बना दूंगी। हाँ हाँ, जल्दी करो जल्दी करो। उमा बेन, आपके घर में कोई खुशी की खबर आई है? इतना कुछ? हाँ, या तो मानव के लिए कोई रिश्ता पक्का किया होगा, या फिर कोई बहू के यहाँ नया मेहमान आने वाला होगा। क्यों उमा बेन, मैंने ठीक खा ना? उमा बेन ने अपना वादा पूरा किया, इस घर के लिए इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। हाँ, ये लीजिए। आशुष बेन, ये मेरा वादा जो मैंने पूरा किया। पूजा गोरडिया है अपने प्रमोद भाई और मीना बेन की बेटी। हितेश के लिए मैंने इस लड़की को पसंद किया है। हितेश के लिए आपने इतनी जल्दी? अरे जल्दी तो आपके बेटे को थी, इसीलिए मुझे जल्दी करनी पड़ी। और फिर नेक काम में देरी क्यों करनी, इसीलिए मीठी जबान देकर आई हूं मैं। आपकी तरफ से मैंने रिश्ता पक्का कर दिया। बच्चे जब दिल से सोचने लगे ना, तो बड़ों को दिमाग से सोचना पड़ता है। आपका बेटा उस पूर्वी के लिए इतना उतावला हो रहा था कि मुझे लगा जवानी के जोश में कहीं कोई गलती ना कर बैठे, इसलिए फटाफट मैंने बात पक्की कर दी। अब ऐसे क्या देख रहे हैं आप? बेटे का रिश्ता पक्का हुआ है, मुंह तो मीठा कीजिए। चलिए चलिए, मैं करवाती हूँ, आइए। लीजिए, लो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे अपने माथे पर से ये चिंता की लकीरें हटा दीजिए, क्योंकि हाथों की लकीरें बदलने वाली है। ये लड़की खुशियां और लक्ष्मी दोनों लेकर आएगी। अरे शुभ बात छे, प्रमोद भाई का फोन। हेलो प्रमोद भाई, आपके समधियों का मुंह मीठा करवा रही हूँ। जब मैंने हाँ कर दी तो आप उनकी हाँ सुन के क्या करेंगे? आप तो बस ताबड़तोब तैयारी में जुट जाइए। अगर कोई कमी हुई ना तो मैं शिकायत करूंगी, आपके समधी नहीं। क्या करें सेजल, बड़े धर्म संकट में पड़ गए हम लोग। अरे वहाँ हितेश पूर्वी को मिलने गया है और यहाँ उमा बेन ने उनका रिश्ता तय कर दिया। क्या करें, कैसे मना करें? जय श्री कृष्ण। हाँ। वो तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? मुझे कुछ नहीं कहना था, हितेश को पूर्वी से कुछ कहना था, और वो भी अकेले में। तुम समझ नहीं रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। कौन? ओ अच्छा, ओ सॉरी, एक्चुअली शादी के एक्साइटमेंट में भूल ही गया। वैसे छनछन, अगर तुम नहीं होती ना तो ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। अगर वो रात नहीं होती तो ये सब पॉसिबल नहीं होता। कौन सी रात? वो रात जब तुमने मुझे और अनारकली को डूबने से बचाया। अच्छा वो? उस रात ही मैं समझ गई थी कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। उस रात तुमने अनारकली और मेरी मदद की, और आज तुम इन दोनों की। आई जस्ट होप के सब कुछ अच्छे से हो जाए। आई होप सो टू। आई होप कि इस बार इस रिश्ते को किसी की भी नजर ना लगे। सुनिए, ये दूध पी लीजिए, एसिडिटी के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा
मंथन ने बताया ना तुम्हें, कोर्ट की तारीख निकली है केस की सुनवाई के लिए। हाँ बताए, आप चिंता ना करें, मैंने तैयारियां शुरू कर दी है। अच्छा ठीक है। जब भी ये कोर्ट की तारीख आती है आप बहुत व्याकुल हो जाते। आप फिक्र न करें, फैसला हमारे ही हक में होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है उमा, लेकिन तुम तो जानती हो ना मेरे बड़े भाई और उनके बेटों को, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जाने दीजिए उन्हें, वो जैसे ही हद तक जाएंगे ना, मैं हल्के से ऐसा एक धक्का मारूंगी वो हद पार कर जाएंगे और फिर दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। उमा, मुझे तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे सगे बड़े भाई ने मुझसे ऐसा छल कपट किया, मेरे अपनों ने मुझ पर वार किया। अपने ही ऐसा करते हैं, दुश्मन तो हमला करते, पर आप क्यों बार बार बुरी बातों को याद करके परेशान हो रहे हैं? जो छीना था वो हक से वापस लेकर आई ना मैं, और जो छीनना चाहते हैं वो श्रीमती उमाबेन मतीलाल बोरीसागर के होते हुए छीन नहीं पाएंगे। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत अपना से करे। हेलो आंटी, मैं हिमांशु बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोल। आंटी मैंने आपको याद दिलाने के लिए फोन किया है कि कल मैं आपको मानव की पसंद से मिलवाने वाला हूँ। हाँ हाँ ये तो अच्छी खबर है, मैं पहुँच जाऊंगी। आंटी आप प्लीज वक्त से आ जाना। वक्त क्या, इस बार तो मैं वक्त से पहले ही पहुँच जाऊंगी। मैं भी। अच्छा आंटी मैं ना आपको ये आ जाना है। ये भी अपनों का ही मामला है, कोई अपना किसी की वजह से झूठ बोलने लगा है, उस वजह से मिलने जा रही हूं। तुम और तुम्हारे ये महिला मंडल का काम। पापा आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? उमा आंटी का बेटा मानो मेरे साथ है और वो मुझे पूर्वी के साथ शादी करने के लिए हेल्प करने वाला है, और पापा देखना वो अपनी माँ को भी संभाल लेगा। पापा हितेश बेटा तने खबर छे उमा बहन लड़की वालों को शगुन के साथ हमारे घर भेजने वाली है। देखिए आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले जाइए, और उमा आंटी और बाकी लोगों से बात ही मत कीजिए। पापा तब तक मैं और पूर्वी भी किसी से नहीं मिलेंगे और किसी से बात भी नहीं करेंगे। एक बार शादी हो जाए फिर हम दोनों सबके सामने आ जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। प्लीज पापा। अनारकली तू अपने साथ है, तेरी एक्सरसाइज भी करवा रही है। मैं जानती हूँ तो जहाँ पना को मिस कर रही है, लेकिन क्या करूँ आज उसकी तबीयत खराब है, आज शाम उसे डॉक्टर के पास ले जाऊँ, लेकिन जाऊंगी तब जब ये हिमांशु आएगा, पता नहीं कहाँ रह गया। ठीक है जा घूम के आ।
ही सर्कस में बुला लिया मिलने के लिए। आदमी कम और जानवर ज्यादा है। हेलो आंटी। हाँ। जय श्री कृष्ण। ओ जय श्री कृष्ण। कैसी है जगह? ये तू पार्क दिखाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है या लड़की से मिलवाने के लिए? ऑफ कोर्स लड़की आंटी, यू आर सो फनी। आइए आइए। अरे अरे कुत्ते को देखती इतना खुश क्या हो रहा है? आंटी जी आप भी बहुत खुश हो जाएंगी जब आपको पता चलेगा कि इस कुत्ते का हमारे साथ क्या कनेक्शन है। ना सड़े से झोंक मरता है, पता नहीं मानव कैसे इसको बर्दाश्त करता है। कुछ कहा आंटी जी आपने? हाँ मैंने कहा वो तेरे पड़ोसी का कुत्ता कैसा है? बहुत भौंकता है। कुत्ता? मेरा तो पड़ोस में किसी के पास कुत्ता है ही नहीं। नहीं है कुत्ता? नहीं। वो मम्मी उसके पड़ोसी ने कुत्ते खरीदे ना, तो हो सकता है हिमांशु वहां होगा। इसका मतलब मानव ने फिर से मुझसे झूठ बोला। कब से वेट कर रही हूँ? बस आ रहे हैं। ओके ठीक है जल्दी आ। अरे बस पहुंच गए 2 मिनट में। ओके। उसी का फोन था पर मैंने उसे बताया नहीं कि मानव की मम्मी को उससे मिलवाने ला रहा हूँ। आपसे वादा जो किया था पक्के वाला। मैं तो आपको कहता हूँ कि आज मिलते ही ना रिश्ता पक्का कर देना। वैसे पसंद तो आप उसको देखते ही कर लेंगी। आजकल ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? पर वो लड़की है कहाँ? बस यहीं कहीं होगी, अभी आ जाएगी। हाँ मामा। हेलो चंचन बेटा प्लीज जल्दी से घर आ जा। क्या हुआ मामा? बेटा जहाँपना की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है, वो वॉमिट पर वॉमिट किए जा रहा है। मुझे पता है आई नो कि उसकी अपॉइंटमेंट शाम की है लेकिन उससे तुझे इमरजेंसी में अभी लेके जाना पड़ेगा, सो प्लीज जल्दी आ जा बेटा। ओके ठीक है ठीक है मैं अभी आ रही हूँ, लेकिन तब तक आप उसे पानी देते रहना। ओके 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 जल्दी। हाँ बाय बाय। मानसू भी ना उसे मना कर देती हूँ। पहले फोन अब मैसेज। ये अनारकली कहाँ गई? आई एम सॉरी मुझे अचानक घर जाना पड़ रहा है। क्या? सॉरी आंटी जी वो घर चली गई, उसको कोई अर्जेंट काम पड़ गया तो आज आपसे नहीं मिल पाएगी। क्या नहीं मिल पाएगी? हाँ ये कोई तरीका है? अगर नहीं मिला था तो पहले ही बता देती। अरे नहीं नहीं आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई बहुत जरूरी काम पड़ गया होगा तभी चली गई, वो बहुत अच्छी लड़की है। अब आप गुस्सा मत होइएगा प्लीज प्लीज आंटी। मेरा बेटा तो बेटा, मुझे भी नचा रही है ये लड़की, इससे तो मिलना ही पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.